बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। आज हम यूनिट 7 कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादे की खसूसियात। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। मादा तीन हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैटर। मादे की बहुत सारी खसूसियात हैं। एवरी थिंग इज मैटर। हम अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देखते हैं वो सारी मैटर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मिसाल के तौर पर मादा वजन रखता है और जगह घेरता है। जैसे आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, ये सेब है, ये बुक्स हैं, हेयर ब्रश है और रिंग है, ये सारी चीज़ें मादे की बनी हुई हैं। खुराक जो हम खाते हैं, मेटल है जो हम कीमती पत्थर पहनते हैं। तो हमें इससे पता चला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड के, सॉलिड्स की क्या खसूसियात होती हैं। दे हैव डेफिनेट साइजेस एंड शेप्स। इनका डेफिनेट साइज और शक्ल होती है। दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे हैव मैस। ये जगह घेरते हैं और इनका मैस है। एंड वी कैन होल्ड देम इन आवर हैंड्स। अब देखें कि जो सॉलिड है, ठोस चीज़ें हैं, उनको हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ चीज़ें जो हम अपने हाथ में पकड़ते हैं वो सॉलिड्स हैं। और आप देखें कि इनके मुख्तलिफ कलर्स भी हैं, एक एडिशनल इनकी प्रॉपर्टीज़ है। अब हम आते हैं लिक्विड्स या माया की तरफ। आप देखते हैं जैसे पानी है, दूध है, शरबत है, ऑयल्स हैं, ये सारे लिक्विड्स की एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड्स डू नाट हैव परमानेंट शेप। उनकी मुस्तकिल शक्ल नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। जिस बर्तन में उनको डालते हैं उनकी शक्ल वैसी बन जाती है। लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैस। वो लिक्विड्स जगह भी घेरती हैं और उनका मैस भी है। वी कैन नॉट होल्ड लिक्विड्स इन आवर हैंड्स। हम लिक्विड्स को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। इसी तरह गैसेस हैं, आप एटमोस्फेरिक गैसेस है, बबल्स हैं पानी में, या फ्यूम्स जो निकलते हैं और गैस जो गुब्बारों में भरी जाती है, ये सारी लिक्विड की मिसालें हैं। गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस, गैस जो है वो जगह घेरती है। दे हैव नो शेप ऑफ देयर ओन। उनकी अपनी कोई शेप नहीं है। यू कैन नॉट सी मोस्ट गैसेस। आप बहुत सारी गैसों को देख भी नहीं सकते। जैसे एयर है, हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, हम महसूस तो कर सकते हैं, हमें नजर नहीं आती। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह ताला ने अपने आप को छुपा लिया है। हम अल्लाह को महसूस कर सकते हैं, अल्लाह को निशानियों से पहचान सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में हम अल्लाह को देख नहीं सकते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं, एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। तो क्योंकि हम कुरान मजीद को बगैर सोचे समझे पढ़ते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस पर तर्जमे से पढ़ें, उसकी आयात पर गौर करें और कुरान, अल्लाह को जानें, अल्लाह को पहचानें, अल्लाह की निशानियों पर गौर करें। तो आज से कुरान को तर्जमे से पढ़ने की आदत डालें। वेरियस मटीरियल्स डिफर इन देयर हार्डनेस। मुख्तलिफ मटीरियल जो हैं वो अपनी सख्ती के हिसाब से फ़र्क होते हैं। जैसे कुछ पिचक जाते हैं, कुछ नहीं पिचकते, पत्थर, लकड़ी, फ़र्क होती है सख्ती के हिसाब से। डेंसिटी, इलास्टिसिटी, कंडक्टिविटी एंड मैनी अदर क्वालिटीज जो है, कसाफत, लचक वगैरह जो है वो मैटर की खसूसियात हैं। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी इज़ द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इट्स वॉल्यूम। एक डेंस जो होता है मैटर, वो कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल रखता है। मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट साइड वाला ज़्यादा डेंस है। इसी तरह इलास्टिसिटी लचक को कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटीरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बींग स्ट्रेच्ड। जब हम उसे खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे अगर आप रबर को खींचें तो वो फिर छोड़ने के बाद अपनी पहली हालत में वापस आ जाता है। कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? कंडक्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ द ईज एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज या हीट कैन पास थ्रू अ मटीरियल। कंडक्टिविटी जो है वो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि कितनी आसानी से एक मैटर में से, मटेरियल में से इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर सकता है या हीट पास हो सकती है। तो अब हम देखते हैं द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।
kinetic molecular theory is a model used to explain the behavior of matter. ये एक मॉडल है जिससे हम बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. उस थ्योरी का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. इस थ्योरी के मुताबिक मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. इस थ्योरी के मुताबिक सारा मैटर जो है वो छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना है जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन. मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत में रहते हैं, यानी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मुसलसल हरकत में हैं, स्टेशनरी नहीं हैं, रुके हुए नहीं हैं. मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर. तीसरा इसका पॉइंट है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में. तो ठोस सॉलिड सच एज स्टोन, मेटल स्पून, पेंसिल सेट्रा है फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम. हमने मैटर की तीन स्टेट्स पढ़ी हैं, तो उनमें पहली स्टेट सॉलिड जो है उनकी जो है फिक्स्ड शेप है और हुजम है, यानी फिक्स्ड शक्ल भी है और वॉल्यूम भी उनका फिक्स्ड है. देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं जैम पैक होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुव्वत वाली ताकत होती है जो आपस में उनको जोड़े रखती है. और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें सॉलिड्स होती हैं जैसे पेंसिल है, स्टोन्स हैं और स्पून है. दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस बट डोंट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो अपनी जगह पे इताश करते हैं लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते. The distance between the molecules of a liquid is more than in solids. अब दूसरी स्टेट है लिक्विड्स, जैसे ऑयल, मिल्क और वाटर है. इनके मॉलिक्यूल में आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, फासला होता है देन सॉलिड्स. जैसे आप इस ब्लॉक में देख रहे हैं थोड़ी सी जगह है आपस में. द एट्रैक्टिव फोर्सेज आर वीकर. इनके अंदर जो कशिश की कुव्वतें होती हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड स्लाइड ओवर वन अनदर. माया के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, दस द लिक्विड कैन फ्लो. इसी तरह हम देखते हैं कि लिक्विड फ्लो करता है, बह जाता है. आप ये देखें कि ग्लास नीचे गिराएं तो फर्श पे बह जाता है. द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम. जो हुजम होता है, वॉल्यूम होता है किसी भी लिक्विड का वो उतना ही रहता है. बट बिकॉज इट कैन फ्लो, लेकिन वो फ्लो कर सकता है. इट अटेन्स द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज़ पुट. वही शेप बन जाती है जो कि बर्तन की शेप होती है. जैसे आप ग्लास में पानी डालें तो ग्लास की शेप बन जाएगी, बोतल में डालें तो बोतल की डालेगी. अब थर्ड स्टेट ऑफ मैटर आर गैसेज सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम. इनकी ना शेप होती है ना इनका हुजम फिक्स होता है. दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप. ये किसी भी जो गैसेज हैं किसी भी शक्ल के किसी तरह के भी बर्तन में समा सकती हैं. देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज. इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेतरतीब मोशन होती है, उनकी हरकत होती है और बड़ी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं. इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम सॉलिड्स और लिक्विड्स. आप जैसे इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं देन सॉलिड्स और लिक्विड, ठोस या माया की निस्बत. दस गैसेस आर मच लाइटर देन सॉलिड्स और लिक्विड. इसीलिए गैस जो होती है वो बहुत हल्की होती है वजन में देन सॉलिड्स और लिक्विड्स. एक और प्रॉपर्टी है जो गैस की, गैसेस कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम्स. स्क्वीज्ड का मतलब होता है निचोड़ना, कंप्रेस करना. जैसे यहाँ पे दो जार हैं तो जो राइट वाला जार है उससे अगर आप प्रेस करेंगे तो एयर उसके अंदर जो है वो स्क्वीज हो जाएगी. तो स्मॉलर वॉल्यूम्स में एयर को स्क्वीज किया जा सकता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल्व कंटेनर दस गैस एक्सर्ट प्रेशर. जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो मुस्तकिल कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, इसलिए गैस एक्सर्ट प्रेशर. अब हम बात करते हैं प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको चौथी स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं. इफ़ अ गैस इज हीटेड कंटिन्यूसली द गैस मॉलिक्यूल्स टीयर ऑफ. अगर हम गैस को मुस्तकिल हीट दें तो गैस के मॉलिक्यूल थोड़े से टूट फूट जाते हैं. एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. एटम अपने
इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं एंड बिकम्स पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं. आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा. इस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं. हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लाज्मा इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस. प्लाज्मा जो है गर्म आयोनाइज्ड गैस होती है जो कि आधे आधे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती है. क्योंकि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है पॉजिटिव आयंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. इसलिए प्लाज्मा जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जा सकता है. तो उम्मीद है आज आपको स्टेट ऑफ मैटर की भी समझ आई होगी, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा की भी समझ आई होगी. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.